मैं केक बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ, विनेगर, मिल्क, कर्ड, पाउडर्ड शुगर, वीट फ्लोर 1 कप एंड 1/4 कप वीट फ्लोर, यहाँ आप लोग मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं मिल्क में विनेगर को मिक्स करके 5 मिनट्स के लिए इसको थोड़ा साइड कर दूंगी और एक बाउल में कर्ड को मैं मिक्सी में पाउडर करती हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें जो मिल्क और विनेगर मिक्स करके मैं रखी थी उसको मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी। वैनिला एसेंस, यहाँ मैं 6 इंच का केक मोल्ड यूज कर रही हूँ जिसको मैं ऑयल से ग्रीस कर ली हूँ। करने के बाद अभी मैं इसमें बटर पेपर डाल रही हूँ। डिग्री प्री हीट पर इसको हम लोग 25-30 मिनट बेक करेंगे कन्वेक्शन मोड पर। ये भी अपना स्पंज रेडी हो गया है। एक बॉल में व्हिप क्रीम निकाल लेंगे अराउंड 1.5 कप। ये चिल्ड है, इसको हम लोग फ्रीजर में स्टोर करते हैं, लेकिन इसको जब यूज करना होता है तो 2 घंटा पहले हम लोग बाहर निकाल देंगे। बस इसमें ये रहता है कि ये पूरा ठंडा होना चाहिए और इसमें आइस क्यूब्स नहीं होने चाहिए, बस यही है। और अगर आपके पास 300 का भी बीटर है तो नो इशू, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, 400 बीटर में टाइम कम लगता है। ये मिल्क कंपाउंड एंड डार्क कंपाउंड को मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करूंगी। ये मैं अराउंड 50 ग्राम्स और ये अराउंड 100 ग्राम्स है। ये भी अपना चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अभी एक ग्लास को मैं जस्ट उल्टा करके इसके ऊपर बटर पेपर रख रही हूँ और इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। ये भी अपना क्रीम अच्छे से व्हिप हो गया। अगर इसको हम लोग टर्न करेंगे ये नहीं गिरेगा, मतलब ये अभी रेडी है अच्छे से। कैन यू सी, मैं पूरा ही इसको उल्टा कर दी हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, जैसा है वैसे ही है। ये अच्छे से अभी अपना क्रीम रेडी है। ये जो डार्क चॉकलेट हो वो मेल्ट चुकी है, उसको अभी अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसको व्हिप क्रीम में थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये केक को डिमोल्ड कर लिया, अभी इसका ऊपर वाला कट कर देंगे हम लोग। ये मैंने 3 लेयर में इसको कट करके रखी हूँ। ऊपर था
सुक करेंगे प्लेन वाटर या शुगर वाटर सिरप। अभी इसको हम लोग 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये भी ऐसा हो गया। अभी इसके ऊपर एक और लेयर डाल देंगे। अभी मैं ये स्क्रबर यूज करने वाली हूँ। ये डार्क चॉकलेट को मैं एक पैकिंग बैग में डाल रही हूँ। पूरा अच्छी तरह से ये ठंडा होना चाहिए डार्क चॉकलेट। अभी जो मैंने बटर पेपर पे इसको रखा था वो इसको निकाल देंगे। ये मैंने मिल्क चॉकलेट को भी माइक्रोवेव में डाल के गर्म किया हूँ। इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे, इसके ऊपर डिजाइन कर देंगे हम लोग।